गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट लेने वाले हैं, ये आप लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे तो थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में जानते ही हैं। तो आपके बीबीए और बीकॉम के एक सेमेस्टर का ही एक सब्जेक्ट होता है पार्ट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हम लोग इससे बेसिक मीनिंग कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज दिस अबाउट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। और आगे फर्दर सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम लोग इसका स्कोप, कंसेप्ट, मेरिट्स, लिमिटेशन, एचआर मैनेजर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब आप लोगों ने वेरी ऑफन एक वर्ड सुना होगा कि एचआर मैनेजर है पर्सन, या एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है, या हम मार्केटिंग से एमबीए कर रहे हैं, लोग बोलते हैं ना मार्केटिंग से एमबीए कर रहे हैं, एचआर से, ह्यूमन रिसोर्स से एमबीए कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस अबाउट, ह्यूमन रिसोर्स से एमबीए कर रहे हो, मतलब आप ये चीज सीख रहे हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हमारे पास हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन वर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स एंड अनदर वर्ड इज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स की बात करती है, आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स इज नथिंग बट ओनली पीपल। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, पीपल, लोगों की बात की जा रही है। एंड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है अभी देखते हैं। मैनेजमेंट का बेसिक मतलब तो आपको पता है, सही तरीके से, मतलब इतना तो हमें पता है सही तरीके से होता है, तो लोगों को सही तरीके से मैनेज करना। अब मैनेजमेंट का मतलब भी आप लोग देख लो, मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है राइट वर्क at right time and at right place, ठीक है, ये हो जाती है हमारी मैनेजमेंट। सही काम हो रहा है, सही टाइम पे हो रहा है, सही जगह पे हो रहा है। प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल करनी है, अभी ह्यूमन रिसोर्स वर्ड को हटा दो, सिर्फ मैनेजमेंट रखो। अगर आपको प्रोडक्शन करनी है, जितनी यूनिट्स चाहिए, ठीक है, एक महीने में बना रही थी बट दो महीने में बना रहे हो, तो क्या आप कहलाओगे कि आप प्रॉपर मैनेज तरीके से काम कर रहे हो? नहीं, ठीक है। तो राइट वर्क होना चाहिए, 1000 बनानी थी, बना पाए हो सिर्फ 500, तो वो भी सही काम नहीं है। तो राइट वर्क होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए और राइट प्लेस पे होना चाहिए। तो ये सब मिला के क्या बन जाते हैं, मैनेजमेंट बन जाते हैं। और मैनेजमेंट के फंक्शन आप लोग वेरी डिटेल में पढ़ चुके होंगे, बट मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन का टच लेके चलूंगी कि मैनेजमेंट की मैं फंक्शन की बात करूँ तो मैनेजमेंट के पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। और कैसे मैनेजमेंट के फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स से भी लिंक करेंगे ये हम लोग देखेंगे। पहला होता है प्लानिंग, देन आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद हमारा आता है स्टाफिंग, देन कम्स डायरेक्टिंग, पांच फंक्शन है ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है, डायरेक्टिंग, एंड एट लास्ट देयर इज कंट्रोलिंग। तो दीज ऑल फाइव आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत छोटा छोटा इनके बारे में जानते चलेंगे। अभी प्लानिंग की बात करूं तो किसी चीज के लिए प्लान बनाना, सोचना कि फ्यूचर में आपको वो काम कैसे करना है। तो प्लानिंग एक तरीके से पहले, सबसे पहला स्टेज होती है, फाउंडेशन होती है मैनेजमेंट की। पहले आप प्लान करते हो कि आपको कोई भी काम फ्यूचर में कैसे करना है। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक काम करने के लिए ना हमें बहुत सारे काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो व्हाट डू यू नीड, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, आपको वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ यानी जो बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का हो, जो क्वेरीज लेगा, फी हैंडलिंग करेगा, वो पर्सन चाहिए। प्लस आपको उसके बाद चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए नॉर्मल लेबर, जो साफ सफाई करेगी, तो बहुत सारे लोग चाहिए। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करोगे कि अच्छा टीचिंग अलग, एडमिन अलग, नॉर्मल वर्कर्स अलग, इस तरीके से आप डिवाइड करोगे, ग्रुपिंग बनाओगे, डिपार्टमेंटेशन बनाओगे, और उसके बेसिस पे फिर एक्टिविटीज़ डालोगे कि ये इसमें आता है काम, ये इस वाले टीचिंग में जाता है, नॉन टीचिंग में जाता है, एडमिन में जाता है। तो ये सब काम होता है किस लेवल पे, ऑर्गेनाइजिंग पे। उसके बाद जाता है स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब सही पर्सन सही जगह पे पहुंच जाए, जॉब के लिए होता है बेसिकली, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो एमबीए करके आया है मार्केटिंग से, अब मार्केटिंग वाले पर्सन को आप डाल देंगे कि हम इसको डाल रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, या मार्केटिंग वाले पर्सन को आपने उठा कर रख दिया एचआर में, उसको इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी एचआर से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स, तो वो यहाँ पे परफॉर्म उतना नहीं कर पाएगा। तो देट इज द थिंग कि स्टाफिंग में सही पर्सन को सही जगह पे जॉब देना ताकि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। डायरेक्टिंग मतलब सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना। कंट्रोलिंग मतलब ये देखना कि जितना आपने टारगेट किया था आप उतनी चीज़ अचीव कर पा रहे हो या नहीं। ये होते हैं मैनेजमेंट के पांच फंक्शन। यही ह्यूमन रिसोर्स, लोगों से रिलेटेड भी हमें ये देख के चलना होता है कि मेरे पास कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, प्लस वो जो रिक्वायरमेंट वाले लोग हैं वो किस किस डिपार्टमेंट में जाने हैं, उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, और देखना कि उनके जो चेक एंड बैलेंस रखना, मतलब जिस काम के लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया था वो काम को प्रॉपरली कर भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब एक प्रॉपर मीनिंग देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या निकल गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हुआ मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में मैनेजमेंट करना लोगों का,
सच दैट दे हेल्प बिजनेस टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे ये बिजनेस को हेल्प करे। ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, स्किलफुल लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई से भी लेवल पे हो, भी मैं लेवल भी बताती हूँ क्या होते हैं, अगर आपके पास स्किलफुल वर्कर है, अगर आपके पास स्किलफुल मैनेजर है, अगर आपका मैनेजमेंट स्किलफुल है, तो आपको उससे क्या होगा, रिजल्ट जो है वो बेटर मिलेगा। वेरी ऑब्वियस है ये। अब मैनेज लेवल की मैंने बात की, तो लेवल का देखो तीन तरीके के लेवल होते हैं। अगर हम देखें तो क्या होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम तीन लेवल में डिवाइड करते हैं, टॉप, मिडल एंड लो। टॉप में कौन कौन से लोग होते हैं, टॉप में जाते हैं आपके सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, जो पॉलिसी बनाएगा, प्लान बनाएगा, तो ये सब लोग क्या होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में जाते हैं। उसके बाद मिडल मैनेजमेंट में जाते हैं आपके प्रोडक्शन के मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना होता है, प्रोडक्शन बना हुआ है, एचआर बना हुआ है, मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है, फाइनेंस के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये सब डिपार्टमेंट और इनके डिपार्टमेंटल हेड, ये सब किस में चले जाते हैं, मिडिल में। लोअर लेवल में आपके चले जाते हैं वर्कर्स एंड ऑल, जो भी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं फील्ड पे, वर्कर्स वगैरह, वो सब लो लेवल पे हो जाते हैं। ये हमें समझ में आया। अब हर जगह काम करने के लिए लोग चाहिए, हर जगह हमें काम करने के लिए लोग चाहिए, इतने डिपार्टमेंट है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी कंपनी जो है सर्विसेज ऑफर कर रही है, तो एचआर मैनेजर, मतलब जो भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करेगा, जो पर्सन मैनेजर होगा, उसको देख के चलना है कि कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे जॉब की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, और सही पर्सन को लाके, मतलब वर्कर्स का इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करके, उन सबको जो भी जगह पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फिट इन कर देना। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है किन किन चीजों पे फोकस करके चलता है। तो पहली चीज तो रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। अब एक बहुत डिफरेंस छोटा सा है, बट रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग का मतलब नहीं पता होता। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि नौकरी पे नौकरी दे देना किसी को। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट। मतलब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर की एक पोस्ट खाली है। बीइंग एचआर मैनेजर मैंने क्या करा, मैंने किसी भी तरीके से आप एडवर्टाइज कर सकते हो, फर्दर क्लासेस में आगे देखेंगे इसको भी, कि एडवर्टाइजमेंट टीवी पे दे सकते हो, न्यूज़पेपर में दे सकते हो, आजकल बहुत सारे naukri.com और ये वो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं ऑनलाइन भी, जहाँ से आप ये रिलीज कर सकते हो कि हमें एक अकाउंट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। अब उस एक अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए कितने सारे लोग अप्लाई करने आएंगे, कितने सारे लोग इंटरव्यू देने आएंगे, तो वो जो अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपने एक जॉब रिलीज करी और लोग को इकट्ठा करा, लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, वहां तक का प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है रिक्रूटमेंट को, कि आपने इकट्ठा किया, लोगों को बुलाया, इनवाइट करा टू कम किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। स्टाफिंग में आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल उस एक पोस्ट के लिए मेरे पास 50% आए थे इंटरव्यू के लिए, मैंने पहले उनकी स्क्रीनिंग करी, टेस्टिंग करा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ कुछ करके छट्टी हो गए, टोटल 5 लोग फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे, उन 5 का भी प्रॉपर इंटरव्यू और मैं से एक पर्सन सेलेक्ट हो गया। तो स्टाफिंग जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि स्टाफिंग में क्या होता है कि हम लोग एक को, बेस्ट को सिलेक्ट करके बाकी को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये काम किससे रिलेटेड है, एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, उनको सैलरी कितनी देनी है, कंपनसेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, तो वो पर्सन आएगा तो सैलरी भी डिसाइड की जाती है ना कि कितने काम पे वो आएगा, प्लस आपको पता है सैलरी के अलावा बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे एम्प्लॉयज को देनी है, ये भी बात यहाँ पे होती है। ट्रेन करना और लर्न, उनको सिखाना चीजें। अब सिर्फ यही नहीं है एम्प्लॉय को काम दे दिया और वो काम कर रहा है बैठ के, नहीं, उनको प्रॉपर फर्दर ट्रेनिंग करना, क्योंकि जितना वो ट्रेन होंगे, जितना वो स्किलफुल होंगे, उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उसके बाद लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशन। जो एचआर मैनेजर है ना, देखो डायरेक्टली कोई वर्कर या एम्प्लॉय जाके सीधा सीईओ के पास जाके बात नहीं कर सकता कि आई एम अगेंस्ट योर पॉलिसी या मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है ये चीज़ें, नहीं, एचआर मैनेजर इज द लिंक। आप लोगों ने, अगर आपकी फैमिली में कोई जॉब भी करता हो, तो आप देखोगे कि जनरली लोग अपनी जो प्रॉब्लम होती है, मुझे अपने ग्रुप से प्रॉब्लम है, मुझे अपने, मैं जिस सर्कल में काम कर रही हूँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जाके किसको रिपोर्ट करूंगी, पहले एचआर मैनेजर से बात करूंगी मैं चीज़ों के लिए। तो एचआर मैनेजर इज अ लिंक बिटवीन द लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशन। ये लेबर एंड एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बना के रखने में भी एचआर मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट होगा। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितना ह्यूमन रिसोर्स आपका स्किल्ड होगा, जितना वो नॉलेज प्रोसेस करेगा, अगली क्लास में देखेंगे हम कि इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल हर तरीके से एक एम्प्लॉय को फिट इन होना चाहिए, और कैसे आज के चेंजिंग सिनेरियो में जब इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई लोग हुए हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन आ रहा है, तो कैसे एचआर मैनेजर को भी उन चीज़ों के साथ कोप अप करना चाहिए, और उनके साथ साथ एम्प्लॉय को रखते हुए भी उसको वो सारे फैक्टर अपने माइंड में रखने चाहिए। ये बस हमने बेसिक मीनिंग देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे स्कोप्स एंड फर्दर कॉन्सेप्ट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।